हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे अपने ऑटो अपडेट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में अपडेट हम मारुति स्विफ्ट की तरफ से लाए हैं। मारुति सुजुकी ने साल 2022 में अपनी बलेनो हैचबैक से लेकर ब्रेजा एसयूवी तक को अपग्रेड किया है। हालांकि किफायती कार खरीदने वाले ग्राहकों को मारुति स्विफ्ट के नए मॉडल का बेसब्री से इंतजार है। ये कार फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और इसे 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। नई स्विफ्ट के इंजन से लेकर इसके डिजाइन तक की डिटेल सामने आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि नई स्विफ्ट को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश किया जाएगा। तो आइए जानते हैं और क्या खास मिलने वाला है इस कार में। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं मारुति स्विफ्ट के 2023 में आने वाले डिजाइन के बारे में। वर्तमान जनरेशन के मुकाबले नए स्विफ्ट में ज्यादा स्पोर्टी लुक नजर आएगा। आगे की तरफ इस हैचबैक में नए डिजाइन वाले ग्रिल और नए एलईडी एलिमेंट के साथ स्लीक हैंडलैप होंगे। इसके अलावा अपडेटेड फ्रंट बम्पर, ब्लैकआउट पिलर, व्हील आर्च पर फॉक्स एयर वेंट और रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया जाएगा। अगर बात करें मारुति स्विफ्ट 2023 के इंजन और माइलेज की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार स्विफ्ट में टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। ये देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार हो सकती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ स्विफ्ट हैचबैक करीब 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सकती है। लुक और फीचर अपग्रेड होने के अलावा हाइब्रिड सिस्टम के साथ नई स्विफ्ट कीमत के मामले में भी थोड़ी महंगी होगी। इसके हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड वर्जन की कीमत में करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का अंतर हो सकता है। ऑल न्यू स्विफ्ट को 2023 के आखिरी या 2024 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट मारुति स्विफ्ट के नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले कार के बारे में। अगर अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।